हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आप लोगों को एडोबी फोटोशॉप के अंदर हिंदी में टेक्स्ट कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ आप कैसे हैं। इस तरह का अगर टेक्स्ट आपको हिंदी में लिखना है एडोबी फोटोशॉप के अंदर तो ये मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर हिंदी में अगर आपको लिखना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है लीफ ऑफिस। यहाँ देख सकते हैं एक सॉफ्टवेयर है लीफ ऑफिस 2000, जिसके अंदर आप बड़ी आसानी के साथ हिंदी लिख सकते हैं। अगर आपको हिंदी लिखना नहीं आता है लीफ ऑफिस के अंदर तो प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने बताया है, पिछले ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं, वहाँ मैंने बताया है कि लीफ ऑफिस के अंदर कैसे हिंदी टेक्स्ट टाइप करते हैं। क्योंकि लीफ ऑफिस के अंदर हिंदी लिखना बड़ा ही आसान है, क्योंकि यहाँ देखें तो यहाँ पर टेक्स्ट मेनू में अगर क्लिक करता हूँ लीप ऑफिस का, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है, रीजनल लैंग्वेजेस, पंजाबी, तमिल, तेलुगू, जिस लैंग्वेज में आपको लिखना है टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी में अगर टाइप करना है तो यहाँ से बेस्ट है लीप ऑफिस 2000। और क्योंकि नीचे देखें अलग है, यहाँ पर कीबोर्ड भी दिया हुआ है, यहाँ से आप जो अक्षर चाहिए आपको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, जो लेटर हिंदी के लेटर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ वो टाइप कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ आप कैसे हैं, सबसे पहले हिंदी टेक्स्ट टाइप कर लें, उसके बाद उसे सिलेक्ट करें जिसे आप ले जाना चाहते हैं एडोबी फोटोशॉप के अंदर। उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद एडिट मेनू में जाएं, उसके बाद उसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद एक बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो हिंदी फॉन्ट आप इस्तेमाल किए हुए हैं उसका नाम याद रखिए। जैसे मैंने हिंदी में जो फॉन्ट इस्तेमाल किया है उसका नाम है डी वी टी टी योगेश। लीफ ऑफिस के अंदर मैंने हिंदी टेक्स्ट लिखा है, उस फॉन्ट का नाम है डी वी टी टी योगेश। अब लीफ ऑफिस को आपको मिनिमाइज करना होगा, उसके बाद एडोबी फोटोशॉप को ओपन करें। ये देख सकते हैं मेरा एडोबी फोटोशॉप खुला हुआ है। यहाँ पे लेयर पैलेट में जाएं और एक नया लेयर ले लें, उसके बाद टूल बॉक्स में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट लिखने के लिए टेक्स्ट टूल पर क्लिक करें और अपने पेज में क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद कर्सर आ जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, एडिट मेनू में जाना है, उसके बाद आपको पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे वहाँ पे देखेंगे लिखावट कुछ अजीब सा लिखा हुआ आ जाएगा। वो इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ जो एडोबी फोटोशॉप में जो फॉन्ट इस्तेमाल किया हो वो कुछ दूसरा फॉन्ट, ये देख सकते हो उसका नाम कुछ अलग है। तो आपको क्या करना होगा, जो टेक्स्ट को आपने यहाँ पेस्ट किया है उसे आप सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद जो फॉन्ट आपने लीप ऑफिस में इस्तेमाल किया उसको लेकर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग फोटोशॉप के अंदर अलग अलग फॉन्ट है। तो जो फॉन्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया था हिंदी का फॉन्ट, उसका नाम था डी वी टी टी योगेश। यहाँ पे देखें वो फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा, डी वी टी टी योगेश, डी वी टी टी योगेश पे सिलेक्ट करेंगे तो जो मैंने हिंदी में लिखा था वो यहाँ पर देखें वो फॉन्ट, वो लिखावट यहाँ आ गया। यहाँ देख सकते हैं वो लिखा हुआ यहाँ पर यहाँ आ गया है, ये देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ वो हिंदी टेक्स्ट आ गया। फिर से एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कि कैसे करेंगे। सिंपल है, अगर हिंदी में कुछ लिखना है फोटोशॉप के अंदर तो लीप ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लीप ऑफिस, आप उसे उस लीप ऑफिस के अंदर आप हिंदी टेक्स्ट टाइप कर लें। जैसे मैंने यहाँ टाइप किया हुआ है, लीप ऑफिस में हिंदी टेक्स्ट टाइप करना बड़ा आसान है। और टेक्स्ट टाइप करने के बाद उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करें, करने के बाद एडिट मेनू में जाएं, उसके बाद उसे कॉपी कर लें। और एक बात का याद रखें कि जो फॉन्ट आपने इस्तेमाल किया उसको हिंदी में जो लिखे हैं फॉन्ट, यहाँ पे देखें वो डी वी टी टी योगेश नाम से है। उसके बाद कॉपी करने के बाद आपको लीप ऑफिस को मिनिमाइज़ कर देना है। उसके बाद जैसे आप नॉर्मली आप एडोबी फोटोशॉप में जिस तरह टेक्स्ट टाइप करते हैं उस तरह टाइप करना होगा। तो अगेन मैं एक नया ले लेता हूँ और यहाँ पे देखें टूल बॉक्स में जाएंगे, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें और पेज में क्लिक कर दें, करने के बाद आप एडिट में जाएंगे, उसके बाद इसे पेस्ट कर दें। यहाँ देखें वो टेक्स्ट आ गया सबके लिए, क्योंकि यहाँ पे एक ही बार में आ गया, इसलिए आ गया क्योंकि पहले से मैंने ये टाइप किया था आप कैसे हैं, उसका फॉन्ट पहले से सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ डी वी टी टी योगेश। तो सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो फॉन्ट आप लीप ऑफिस में आपने हिंदी में लिखने के समय इस्तेमाल किया था उस फॉन्ट का नाम याद रखना पड़ेगा,
और वहाँ से कॉपी करके लाके Adobe Photoshop में पेस्ट कर देना है। उसके बाद अगर टेक्स्ट नहीं आ रहा है, उसके बाद आप फॉन्ट को सिलेक्ट, फॉन्ट को यहाँ से चूज कर लें, तो इस तरह आप हिंदी में Adobe Photoshop के अंदर लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग Adobe Photoshop के अंदर हिंदी टेक्स्ट लिख सकते हैं, ला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।